तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने लिए एक यूके अकाउंट कैसे बनाए। तो यूके अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने इसे फॉलो किया तो 100% तक आप अपने लिए एक अकाउंट भी बना सकते हो, देन उसे मोनेटाइज भी कर सकते हो। दोस्तों फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, आपने जिस टिकटॉक को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में उसे डिलीट करना होगा। क्या करना होगा, उसे डिलीट करना होगा। उसे फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, उसे डिलीट करना होगा। दोस्तों अभी हमें इसे डिलीट करने वाले हैं। डिलीट करने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, जाना होगा गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आपको वहां पर सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, EPKDUNA। दोस्तों आपको इस पर सर्च करना होगा। इस पर सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगा फर्स्ट में। दोस्तों आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले वेबसाइट पर करना होगा क्लिक। वहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहां पर दिया है सर्च। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहां पर सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, टिकटॉक। दोस्तों आपको वहां पर सर्च करना होगा टिकटॉक। टिकटॉक सर्च करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहां से टिकटॉक को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वो टिकटॉक जो हम चला रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है। जिस टिकटॉक को आप वहां से डाउनलोड करते हो वो ऑफिशियल टिकटॉक है। दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसे वहां से डाउनलोड करना होगा। उसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अभी हमें क्या करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों आपको क्या करना होगा, अभी यहां से इसे इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसे यहां से इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में इस टिकटॉक को डाउनलोड करना होगा। इसे टिकटॉक को डाउनलोड करने के बाद जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर खुद ऑन होंगे, तो जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने लिए एक जीमेल नया बनाना होगा। क्या करना होगा, अपने इस टिकटॉक पर एक नया जीमेल बनाना होगा और उस पर काम करना होगा। दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह काम करें उस पर। दोस्तों यहाँ से हम इसे करने वाले हैं ओपन। दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसे यहाँ से ओपन करना होगा। दोस्तों आप अपने ओल्ड अकाउंट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, देन उसे भी मोनेटाइज कर सकते हो, देन उसे भी यूके में चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने इस टिकटॉक को डाउनलोड किया, क्योंकि बहुत से लोग इस टिकटॉक को चला रहे हैं उनकी जो अकाउंट है वो यूके में चेंज हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना होगा, करना होगा स्किप स्टार्ट वॉचिंग, इस वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। देन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपकी खुद की मर्जी, अगर आप चाहते हैं न्यू अकाउंट ओपन हो जाए तो आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड अकाउंट, हमारा जो ओल्ड अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट उसे भी यहाँ पर फर्स्ट में ओपन करना होगा। आपको थोड़ा लास्ट तक वेट करना होगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नए आईडी पर, वहाँ पर जो सारे ऑप्शन है ऑन है। उसे यहाँ पर आप अपने नंबर लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर। फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, अपनी कंट्री को यहाँ से करना होगा सिलेक्ट। अभी हम करते हैं यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट। क्या करना होगा, यहाँ से करते हैं कंट्री को सिलेक्ट। दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर को लगाना होगा, देन सेंड अ कोड, इस वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। जब आप यहाँ पर क्लिक करते तो आपके पास एक कोड आएगा, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसे यहाँ पर लगाना होगा, आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। दोस्तों अभी हम करते हैं कंटिन्यू विद गूगल। दोस्तों मैं आपको अपनी जो ओल्ड अकाउंट है उसे कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, और उस पर दिखाने वाला कि जो सारे ऑप्शन है वो ऑन है। दोस्तों अभी हम फिर से चलते हैं टिकटॉक पर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ओल्ड अकाउंट है ये भी कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इस पर हम चेक करने वाले, इस पर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक न्यू अकाउंट कनेक्ट करना होगा, वहाँ पर जो टिकटॉक का क्रिएटिविटी प्रोग्राम है वो वहाँ पर शो होगा। तो जस्ट आपको क्या करना होगा, न्यू अकाउंट कनेक्ट करना होगा। आपका जो ओल्ड अकाउंट है वो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ पर यूएसए अकाउंट कनेक्ट किया था, इसलिए आपका जो अकाउंट है वो यूके में चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक न्यू अकाउंट कनेक्ट करना होगा। आपको क्या करना होगा, एक न्यू अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैं न्यू अकाउंट कनेक्ट कर चुका हूँ, और यहाँ पर चेक करते हैं कि जो क्रिएटिविटी प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से ऑप्शन शो हो रहा है, जस्ट आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जस्ट थोड़ा वेट करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन है वो ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं क्रिएटिविटी प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पर प्रूफ के साथ दे सकते हो, आपकी अर्निंग सब कुछ आप यहाँ पर दे सकते हो न्यू अकाउंट पर। दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस तरह काम करना होगा। क्या होगा, आपका यूके का अकाउंट है वो रेडी होगा। दोस्तों फर्स्ट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक, और चेक करते हैं कि हमें कितने फॉलोअर्स कंप्लीट करना होगा और एक महीने में कितने व्यूज कंप्लीट करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसे यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक महीने में 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना होगा, एक महीने में 1,00,000 व्यूज कंप्लीट करना होगा,
देन आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह काम करना होगा। क्या होगा, आपकी जो यूके का अकाउंट है वो रेडी होगा, क्योंकि मैंने भी इस तरह काम किया, मेरा जो अकाउंट है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपने इस तरह काम किया तो 100% आपका जो अकाउंट है वो रेडी होगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।